Hey everyone, welcome back to the channel guys. You're watching Born Creator. This is Austin Dost Vivek Suri. So guys, मैंने आपको कुछ दिन पहले न्यूज़ दी थी रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड एक्स के बारे में. बेसिकली 350X और जो 500X आती है कंपनी की, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 350X के दोनों मॉडल खड़े हुए हैं. ये बेसिकली विद ABS है और ये वाला मॉडल जो है ये विदाउट ABS है. सो कंपनी ने फाइनली जो है ABS की मॉडल की जो है वो लड़ी लगा दी थी और काफ़ी ज़्यादा बाइक जो है वो ABS वर्जन के अंदर लॉन्च कर दिए थे. सो फाइनली आज मैं आया था यहाँ पे 650 कवर करने के लिए एंड मुझे यहाँ पे ये ABS वर्जन भी दिखा. सो आई थॉट व्हाई नॉट शो इट टू यू गाइज, आप लोगों को भी इसकी एक वीडियो दी जाए ताकि आप लोगों को भी देखने में मज़ा आए. सो गाइज, क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा. पहले आप बाइक का एक वॉक अराउंड देख लीजिए. यहाँ पे हमारे पास दो कलर खड़े हैं, दिस वन इज़ वाइट, दिस वन इज़ रेड. आप दोनों कलर्स इन्जॉय करें, देखें आपको कलर कौन सा अच्छा लगता है. नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको रेड अच्छा लग रहा है या वाइट अच्छा लग रहा है. आप इसके शॉट्स देखें एंड देन फिर उसके बाद बात करते हैं कि इन दोनों बाइक्स में डिफरेंस क्या आ रहा है. तो गाइज़, अगर हम यहाँ पे इसके मीटर की बात करें तो 160 की आपको स्पीड मिलती है. दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल रहा है. अगर हम इस वाले मीटर की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिलता है, आपको ट्रिप मीटर मिलता है, आपको क्लॉक मिलती है और ऑडियो मीटर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. बाकी अगर हम यहाँ की बात करें देन आपको इस जगह पे ये जो है ये आपका हाई बीम के लिए आ रहा है, दोनों तरफ इंडिकेटर्स का सिग्नल आ रहा है, रिजर्व के लिए फ्यूल का साइन आ रहा है, न्यूट्रल का आ रहा है, बैटरी का आ रहा है एंड देन यहाँ पे ABS का आ रहा है. सो गाइज, आप लोगों ने दोनों के शॉट्स देखे, कैसी लग रही है बाइक देखने में. 350 तो आप लोगों ने देखी होगी. अब बात आती है कलर की. सबसे पहले यहाँ पे दो कलर्स खड़े हुए हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने बोला एक रेड खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है वाइट. सो कौन सा कलर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला, आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं. अब बात आती है दोनों बाइक्स के डिफरेंस की. सो इंजन स्पेसिफिकेशन, वेट वाइज, हर चीज़ वाइज बाइक सेम है, टैंक कैपेसिटी, हर चीज़ बाइक सेम है. सिर्फ जो डिफरेंस आता है गाइज वो आता है डुअल चैनल ABS का. सो आपको दिखाता हूँ, बेसिकली डुअल चैनल ABS इज व्हाट. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये डिस्क ब्रेक लगी हुई है, बट आप यहाँ पे देखेंगे खांचे बने हुए हैं, दिस इज़ द ABS. और यही चीज़ आपके पीछे वाले टायर पे भी लगी हुई है. वहाँ पे अगर मैं आपको वहाँ पे दिखाऊँ, थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो
बेसिकली दोनों एक साथ ब्रेक्स लगेंगी, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ डुअल चैनल, मतलब इधर और इधर, पीछे वाला टायर और आगे वाला टायर, दोनों टायर्स पे एक साथ ब्रेक लगेगी। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये होता है गाइस कि जो टायर होता है वो स्किट नहीं खाता है और आपकी जो बाइक है वो ऐसे ऐसे करके रुक जाती है और एक ही लाइन में रुकेगी। हल्का सा, बहुत माइनर सा इसके अंदर हल्का सा टर्न आता है, बट जब हम ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक मारते हैं और बाइक एकदम टेढ़ी होकर गिर जाती है, वो वाली चीज़ आपको इसकी बाइक के अंदर फील में नहीं आएगा। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस जो कि इस मॉडल और उस मॉडल के अंदर है। अगर मैं आपको उस मॉडल का भी दिखाऊं, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वो ABS वाली जो प्लेट है वो नहीं दिखेगी, और ये जो है ये विदाउट ABS वाला मॉडल है जो कि लांबा एंटरप्राइजेस पे खड़ा हुआ है। सो लिमिटेड पीसेज हैं यहाँ पे। एंड अगर हम प्राइस की बात करें तो मैं आपको एक सेकंड प्राइस पूछ के बताता हूँ। सो गाइज, अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँ तो 178 इज़ द प्राइस फॉर द नॉन ABS मॉडल और 184 इज़ द ABS मॉडल। दोनों के अंदर ऑलमोस्ट 5 से 6 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ रहा है। सो 6 हज़ार रुपये का डिफरेंस मेरे हिसाब से वर्थ है, बट अगर आप एक नॉन ABS थंडरबर्ड X लेने का सोच रहे थे, देन यहाँ पे स्टॉक रेडिली अवेलेबल है। कुछ लिमिटेड पीसेस पड़े हुए हैं बाइक के, आप लांबा एंटरप्राइजेस तिलक नगर वाले जो शोरूम है वहाँ पे आएँ, वहाँ आके बाइक देखें, और अगर आपको समझ आती है तो आप वो बाइक ले सकते हैं। बट मेरी अगर प्रेफरेंस पूछेंगे देन आई वुड से कि यार वो 5 या 6 हज़ार रुपये ना सोचें, लाइफ का सवाल है। ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है अगर आप ABS वर्जन में जाते हैं। सो मेरी फर्स्ट चॉइस यही रहेगी। सो गाइज, 178 184 इज़ द प्राइस दोनों का। बाकी डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया क्या डिफरेंस है। दोनों बाइक्स की स्पेसिफिकेशन, हर चीज़ सब कुछ सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है वो आता है ABS का। सो गाइज, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। एंड आगे आने वाले टाइम पे मैं कॉन्टिनेंटल GT 650 जो आई है उसकी भी वीडियो दूंगा, जो नई एक और आई है 650 उसकी भी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। एंड लांबा एंटरप्राइजेस का एक एक्सक्लूसिव स्टोर है विंटेज बाइक्स का, तो उसकी भी कोशिश करते हैं कि यार उसको भी हम शूट कर सकें और फिर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन सी विंटेज बाइक्स पड़ी हुई हैं। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। दुनिया को खुशी दे गाइस, आपको भी खुशी महसूस होगी। की स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गुड कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम बॉर्न क्रिएटर।